आज तक सीएम नहीं बन पाए जी। तो इस बार भी मेरी इच्छा वही रहेगी, उनसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन उनकी जो उनकी पूरी जो पार्टी का जो कि हालत है, तो सोचिए अगर पूरी पार्टी अगर जिस दिन आ गई क्या हालत होगा, तो वो डर है। और दूसरी बात है कि क्योंकि जो डिप्टी सीएम आज तक बने वो कभी सीएम कुमार का योगदान कितना होगा, नीतीश कुमार जी का तो 2024 जाते हैं तो वो खुद ही बोलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि रहेंगे, तो सोचिए फिर 17 साल और हम लोग ये रहेंगे। आप इमेजिन कीजिए हम लोग बिहार में हैं और आप बाकी स्टेट्स को देखिए, 15 साल प्लस 17 साल 32 साल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई एजुकेशन में बदलाव नहीं, खाली बड़े बड़े सड़कें बनाने से वो नहीं होता। अरे भैया आप लोगों को रोजगार तो दीजिए, रोजगार दे रहे, उसका जो आपकी रिक्रूटमेंट एनडीए सरकार में हुई थी वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में, पर 24 में आपका चिराग पासवान ही एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाले और सीएम कैंडिडेट तो डेफिनेटली होंगे। का चाहना नहीं चाहना सब डिपेंड करता है उनके अपने पर्सनल एम्बिशन के ऊपर। वो चाहते इसलिए कि उनको ये किसी ने सपना दिखाया कि भाई आपको मिलेगा पीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी के लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता है? आप चिराग पासवान युवा हैं और बिहार में कई युवा नेता हैं, मुकेश सहनी भी हैं, जीतन मांझी के पुत्र भी हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। क्या लगता है चिराग पासवान का टक्कर कौन दे रहा है इन दिनों? अब मान लीजिए चिराग तो भाजपा गठबंधन में है, तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, क्या लगता है आपको किन से ज़्यादा कंपटीशन? देखिए बुरा मत मानिएगा, इतिहास गवाह है कि जो डिप्टी सीएम बने हैं आज तक सीएम नहीं बन पाए जी। तो इस बार भी मेरी इच्छा वही रहेगी, उनसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, लेकिन उनकी जो उनकी पूरी जो पार्टी का जो पिछला रिकॉर्ड हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं महिला होने के नाते वो डर तो है, वो सबको है। अभी महागठबंधन में ये हालत है तो सोचिए अगर पूरी पार्टी अगर जिस दिन आ गई क्या हालत होगा, तो वो डर है। और दूसरी बात है कि क्योंकि जो डिप्टी सीएम आज तक बने वो कभी सीएम नहीं बने, तो उस नाते अगर मैं बोलूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो उनका पत्ता तो वैसे भी मैंने 50% कट हो गया, 50% और 50% बाकी जितने लोग हैं उसमें आप देख लीजिए नीतीश कुमार का योगदान कितना होगा। नीतीश कुमार जी का तो 2024 जाते हैं तो वो खुद ही बोलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ये। अरे उनके चाहने से क्या, अगर उनके मेंटोरशिप में रहेगा इंसान, अगर उन्हीं के मेंटोरशिप में अगर रहेंगे तो सोचिए फिर 17 साल और हम लोग ये रहेंगे। आप इमेजिन कीजिए हम लोग बिहार में हैं और आप बाकी स्टेट्स को देखिए कितना प्रगतिशील है, यहाँ पे क्या हालत है, ये तो सोचना चाहिए ना। 15 साल प्लस 17 साल 32 साल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई एजुकेशन में बदलाव नहीं, खाली बड़े बड़े सड़कें बनाने से वो नहीं होता। अरे भैया आप लोगों को रोजगार तो दीजिए, रोजगार देने गए तो उन्होंने धांधली कर दी। एनडीए के टाइम में जो बहाली हुई थी अभी आप अभी दे रहे हो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तेजस्वी जी, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो रोजगार दे रहे हैं ना। अच्छा रोजगार दे रहे हैं, उसका जो आपकी रिक्रूटमेंट एनडीए सरकार में हुई थी वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में, पत्र मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मैंने आपको बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया और मैं आपको एक साल बाद दे रही हूँ, जबकि मैं जिस कंपनी वहां पे मेरी लड़ाई होगी, तो ये तो वही बात हुई, नहीं तो बेवकूफ, ये तो टोटली आई वॉश है। और बात 10,000 की नहीं हुई थी, उन्होंने चिल्ला के क्या बोला था, 20 लाख 10 लाख कहाँ से लाएंगे। और मैं तो यही बोलूंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने ललायत रहते हैं यंगस्टर्स, भाई इतना ही अगर आपको चाहिए आप सीधा डायरेक्टली साइट पे जाइए ना, वहां पे आप नॉमिनेशन कीजिए, वहां पे आप अपना देखिए ये क्या। और जो भी लोगों को ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, मेरे पास नौकरी है फिर भी मुझे लेटर मिल रहा है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि बिहार में छवि जो है अभी तक जितना भी कर लीजिए, जितना भी मैंने लोग बोल ले कि भाई ये है वो है दलित नेता है, आजकल युवा वो नहीं मानते हैं। मैं आपको बता रही हूँ लोग यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं भाई, लोग यहाँ पे हम लोग जब खाना खाने जाते हैं हम उसका जात नहीं पूछते हैं। अभी आपका फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, जब इंडियन क्रिकेट टीम खेलते हैं तो हम लोग जात नहीं पूछते। तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है सनी जी, और इसीलिए जो युवा नेता मेरे हिसाब से और वो मैंने आपका 2024 में आपका चिराग पासवान ही एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाने वाले और सीएम कैंडिडेट तो डेफिनेटली होंगे। एक ये सीएम कैंडिडेट की आपने बात कही, नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, अब 2-3 वर्षों से झांसा दे रहे हैं, पहली बार जब 14-15 में उनकी सरकार बनी, 17 तक उन्होंने कहा कि बनाएंगे, फिर बना रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार चाहते हैं कि बने या सिर्फ बोल रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार का चाहना नहीं चाहना सब डिपेंड करता है उनके अपने पर्सनल एम्बिशन के ऊपर। वो चाहते इसलिए कि उनको ये किसी ने सपना दिखाया कि
भाई आपको मिलेगा पीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी के लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? आप एक बात बताइए, जो एक अच्छे सीएम मटेरियल नहीं है वो पीएम मटेरियल कैसे होंगे? जवाब तो देंगे ना। अरे भाई, बाकी स्टेट के लोग देख रहे कि नहीं देख रहे? और अकेले थोड़ी है वो, इतने बड़े बड़े अलग अलग आपके जो स्टेट के जो सीएम्स हैं वो थोड़ी उनको ये करने देंगे जस्ट बिकॉज वो एक अपनी ऐसी छवि बनाए कि विकास पुरुष के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप पूरे क्लीन चीट हो या फिर आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो आपने क्या किया आज तक? और ऊपर से स्कैम के ऊपर स्कैम हो रहा है, एडुकेशन सिस्टम खराब है, तो कहाँ से आप अपने आप को पीएमशिप देखते हो? आप घूम लो, आप अपने सारे लोगों जगह घूम लो, आप अपना गुड बना लो, लेकिन एंड ऑफ द डे बात की बात है आपकी, बाकी राज्यों में आपकी किस क्या स्थिति आप खुद खुद जानते हो, तो कहां से होगा? और भाई लालसा देना, हाँ ठीक है हम आपको सीएम बनाएंगे। आप देखिएगा 2024 आते आते इतनी सारी चीजें बदलेंगी, नीतीश कुमार अपने कुर्सी बचाने के लिए फिर कहां पे जाएंगे ताकि वो नौवीं बार मुख्यमंत्री बने, उसकी भी तैयारी अभी तक उनके मन में चल रही है। मतलब आपको लगता है कि फिर भाजपा के साथ वो, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आना चाहेंगे तो बीजेपी उनको साथ में लेंगे? बीजेपी उनको साथ में लेंगे तो इस बार तो समझ लिए सब कुछ। मैं आपको बार बार बोलू कि बीजेपी के पास दो ही चेहरे, एक हमारे ऑनरेबल सीएम और एक चिराग पासवान। और हम लोग, मैंने अगर एज एन आउटसाइडर, अगर मैं आपके बिहार के अगर एक नागरिक के हिसाब से बात करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी दोबारा आपके नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही चीज होगा ढाक के तीन पात जैसे आज तक होते आ रहा है। जी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बार बार इस बात का दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर समझे तो बिहार में 2024 के पहले काफी कुछ बदलेगा, कई बातें सामने आएंगी, और ऐसे में तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे इनका कहना है, इसलिए कि इन्होंने जो रिकॉर्ड बताया है, जो डिप्टी सीएम बना वो अभी तक सीएम नहीं बना, सुशील कुमार मोदी की बात कर ले या बिहार के अन्य नेताओं की बात कर ले। अब एक बार फिर से कुढ़नी उपचुनाव बिहार में जो हो रहे हैं, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए क्या कुछ बदलाव होता है, 24 चुनाव कैसे लड़ी जाएंगी, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। फिलहाल इस खबर में अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।